रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य स्तर पर तो युद्ध जारी है ही, इंटरनेट की दुनिया में साइबर वार भी लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में दो बार ऐसा मौका आया जब यूक्रेन की कई जरूरी वेबसाइट को हैक कर दिया गया था। इस हैकिंग का आरोप रूस पर लगा था, लेकिन अब रूस भी खुद उस हैकिंग वाले जाल में फंस गया है। खबर आई है कि शनिवार दोपहर को रूस के कई प्रमुख टीवी चैनल और उसके कई मीडिया रेगुलेटर पेज हैक हो गए थे। हैकिंग भी ऐसी रही कि उन टीवी चैनलों पर कुछ देर के लिए यूक्रेन के गाने चलने लगे। खुद यूक्रेन की टेलीकॉम एजेंसी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अभी के लिए रूस की तरफ से हैकिंग पर कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन ने अपना बदला पूरा कर लिया है। इससे पहले तक सिर्फ रूस ही समय समय पर हैकिंग को अंजाम दे रहा था। ऐसे में जब रूसी चैनलों पर यूक्रेन के गाने चल गए तो आरोप भी उसी पर लगा। वैसे सिर्फ गाने चलने तक ये हैकिंग सीमित नहीं रही, कुछ समय के लिए रूस के सभी प्रमुख चैनलों पर यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाया गया। ऐसे में एक तरीके से यूक्रेन का पूरा प्रोपेगेंडा रूसी लोगों को उन्हीं के चैनलों पर दिखाया गया। सोशल मीडिया पर जब से ये खबर वायरल हुई है कई तरह की प्रतिक्रिया आती दिख रही हैं। कोई रूस की चुटकी ले रहा है तो कोई यूक्रेन को काफी चालाक बता रहा है। यूक्रेन में वर्तमान की स्थिति की बात करें तो अभी रूसी सैनिक पूरी तरह हावी दिखाई दे रहे हैं। लगातार गोलीबारी हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं और जमीन पर स्थिति को बेकाबू बनाने का पूरा प्रयास है। पुतिन वादा कर चुके हैं कि किसी भी रिहायशी इलाके में बमबारी नहीं की जाएगी, लेकिन जमीन पर लोगों के बीच खौफ है। ज्यादातर लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं, कोई पोलैंड की तरफ बढ़ गया है तो कोई हंगरी में अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है।